हाँ, राम का मतलब परमात्मा, एक निरा दशरथ पुत्र राम नहीं, वो नाम है। अभी भी यहाँ भी किसी का नाम राम है, सीता है, तो सीता हो आप, नहीं, वो निराकार परमात्मा को राम कहा, हरे राम हरि। हाँ, कर्म करने के लिए आता है, भगवान भी शरीर में आता है, ब्रह्मा के तन में आया, इनके तन में आके ज्ञान सुनाया, है ना। अभी श्री कृष्ण भी आया, लेकिन श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया, श्री राम ने जन्म लिया, ब्रह्मा बाबा ने दादा देखराज था, उनके तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया। भगवान प्रवेश करता है, देवता जन्म लेते हैं, भगवान जन्म नहीं लेता है, शरीर में आता है, ज्ञान सुनाया चला गया। और किसका शरीर? दूसरों के शरीर में आता है, उसका अपना नहीं, ये जानना चाहिए। हाँ हाँ, बुरा कर्म करें, हाँ, सत्कर्म के ओर बढ़ने के लिए सत्संग चाहिए। तो सत्संग किसको? हाँ, तो उसके लिए कल कहा था कि दान करना चाहिए। पता है, आपने कहा एक गरीब जा रहा है, उसको आपने 10 रुपया दान दिया, उसने शराब पिया, तंबाकू किया, तो दान हुआ? दान किया आपने, लेकिन गलत, उसका फल भी गलत भोगना पड़ता है। दान किसको करना चाहिए? पात्र को देखना चाहिए। तो कपड़े खराब है तो कपड़े दे दो, पैसे क्यों दे रहे हो? पैसे का दुरुपयोग करेगा, तो पात्र को देखो दान करते समय। तो ये गीते का सत्संग से सदगति मिलती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर सत्संग नहीं तो दुर्गति है, पाप ही करते जा रहे हैं, पता ही नहीं ये गलत है कि सही है। अंत में पता चलता, अरे मैंने सब पाप किया, पता ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था, फिर पश्चाताप करके फायदा नहीं।